निर्गमन 3 उसकी 7-10 में लिखा, फिर यहोवा ने कहा, मैं अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को मैंने निश्चय देखा है, उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण जो होती है उसको भी मैंने सुना है, उनकी पीड़ा पर मैंने ध्यान लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उन्हें उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, परिज्जी, हब्बी, यबूसी लोगों के देश में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इसराइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इसराइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। अपने हाथों को उठाओ, यीशु मसीह ने कहा, यहोवा के वचन में लिखा, यूहन्ना 4 उसकी 35 और 36, जो मैंने पढ़ा वो निर्गमन 3 उसकी 7-10। यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा, मैं तुम्हें इसराइलियों के पास भेजता हूं। मूसा को कहा, अपने हाथों को उठा, किस टाइम बोला परमेश्वर ने मूसा को? जब मूसा अपनी आस को खत्म कर बैठा था, जब मूसा यह मान बैठा था कि जो दर्शन उसने देखे थे, जो इसराइली लोगों को वो छुड़ाना चाहता था, अब वो खत्म हो चुके। वो परमेश्वर जिसने आपको बना के भेजा धरती के ऊपर, वो आपको भूला नहीं। उसे मालूम है आपको कहां लेके जाना है और कब लेके जाना है। जब मूसा बाइबल कहती है कि पर अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते चराते जब वो भूल चुका था कि मैं इसराइलियों को छुड़ाने के लिए पैदा हुआ हूं, और उसने एक बार 40 साल की उम्र में ट्राई भी किया था, लेकिन वो ट्राई अभी शरीर में किया था, वो आत्मा से भरा नहीं था। और बाइबल कहती है 40 साल जब उसने भेड़ बकरियों को चराया, जब वो मैदानों में रह के, पहाड़ों में रह के भेड़ों और बकरियों को चराकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, वो 40 साल परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा से भरा था। परमेश्वर पहले भी उसे इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वचन कहता है ना तो बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आपने पहले ट्राई की होगी कि मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं, लेकिन शायद ना कर पाए हो। तो जो काम परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है वो पूरा होना भी शुरू होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे इस्तेमाल तो करना चाहता हूं मूसा, लेकिन जिस तरह से तू इस्तेमाल होना चाहता है, तू अभी शरीर में है। इसलिए बाइबल कहती, मूसा ने जब देखा कि दो इब्री को एक मिस्री मार रहा है, तो उसने मिस्री को मारकर रेत में गाड़ दिया। उसे लगा कि मैं सेवा कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को शरीर में सेवा नहीं चाहिए। बाइबल कहती है जो सेवा पवित्र आत्मा में होकर नहीं की जाती, परमेश्वर के सामने कबूल नहीं होती। तो उसको खत्म करने के लिए परमेश्वर ने 40 साल कि मूसा क्रूस उठाकर डेड हो जाए, जिस तरह जीसस ने कहा, जो कोई रोज अपना क्रूस उठाकर, रोज नहीं मरेगा और मेरे पीछे नहीं चलेगा, वो मेरे योग्य नहीं होगा। और बाइबल कहती 40 साल मूसा का परमेश्वर ने क्रूस उठवाया, मूसा को भगाया, मूसा को चलाया। 40 साल मूसा मर गया, उसे भूल गया, वो कोई राजा के संतान भी था या राजा बनने वाला था। और परमेश्वर ने कहा, मूसा अब तू डेड हो चुका है अपनी निगाह में, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। तू पवित्र आत्मा से भर चुका है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। अब तू शरीर में नहीं आत्मा में है, अब मैं तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर की एक खूबसूरती है, आप जब अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तभी परमेश्वर कुछ ऐसा करता है जो आपकी आंखों को खोलता है, और यह जानबूझ के ऐसा होता है। जब चेले परमेश्वर के साथ थे, तो परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना 4 उसकी 35 और 36 में, यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं? पर अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद करें। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं? पर देखो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। उन्हें लगता कि शायद अभी टाइम पड़ा है, लेकिन जीसस ने कहा स्पिरिट में अपने चेलों को कि तुम इस्तेमाल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो। उनको लगता था कि अभी हम यूज नहीं हो सकते, अभी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बाइबल कॉलेज जाना पड़ेगा,
यीशु मसीह के 7-10 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जैसे सदूकी और फरीसी करते थे वैसे करना पड़ेगा, हमें कहीं पढ़ना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं 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 नहीं, ये वो काम नहीं हो रहा। देखो कटनी के लिए पक चुके हैं, अब तुम्हें जाना है कटनी काटने के लिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें क्या बोलना है तुम्हें चिंता नहीं होगी, पवित्र आत्मा तुमको बता दिया करेगा तुम्हें क्या बोलना है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए तो बरकत भी आपकी होगी। आप वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते जो परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए करता है। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा से भरना है। आपको लगेगा आप सिर्फ अभी 3 महीने के बिलीवर हैं तो वो आपको इस्तेमाल कैसे कर सकता है। आपको तो सर्टिफिकेट चाहिए, आपको तो बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग चाहिए, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। चेलों ने किसी बाइबल कॉलेज में दाखिला नहीं लिया। जीसस क्राइस्ट ने प्रैक्टिकल उन्हें सिखाया, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई, बैठकर उन्हें थ्योरी भी सिखाई और प्रैक्टिकल भी सिखाया, और 3 साल प्रैक्टिकल सिखाया। हालेलुया। आप इस्तेमाल किए जाएंगे आज ही रात से। जो ये सोचता है वो सिर्फ 3 महीने का विश्वासी है, 6 महीने का है, तुम ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे इन जीसस ने। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए चर्च। इसलिए पवित्र वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को कहा कि अब मैं तुझे इसराइलियों को छुड़ाने के लिए भेजूंगा। मैंने उनकी प्रार्थना को सुना है, मैंने उनके आंसुओं को देखा है, मैंने उनकी मेहनत को देखा है। आप नहीं जानते कौन सी रूहें हैं जो प्रार्थना कर रही हैं, जिनको यह भी मालूम नहीं कि कौन सच्चा परमेश्वर है, लेकिन वो ऊपर देख देख कर प्रार्थना कर रहे हैं कि सच्चे परमेश्वर अगर तू है तो हम पे जाहिर कर। और परमेश्वर का रूह आपको तैयार कर रहा है अपने आप को उन पर जाहिर करने के लिए। आप जाएंगे एक एक कोने में यीशु के नाम में प्रचार करने के लिए, बताने के लिए। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं आए, वो जात बदलने नहीं आए, वो जीवन बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो कोई जात बनाई थी उसकी? उसने एक ही आदम बनाया और एक ही हवा को बनाया, और सारी सृष्टि आदम और हवा से रची गई। तो कौन सी जात थी आदम की और हवा की? कोई जात नहीं थी। इसलिए जब आप चर्च में आते हैं, जब आप ऐसे चर्च में एंटर करते हैं जहां पवित्र आत्मा काम करता है, आप देखते हैं वहां कोई जात पात का चक्कर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया नहीं। कोई भी वॉलंटियर, कोई भी जाति ऊपर जा सकती है, हाँ कहीं भी बैठ सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जात बाइबल के मुताबिक परमेश्वर ने नहीं बनाई। उसने धर्म को नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया, उसने इंसान को धार्मिकता को स्थापित करने के लिए बनाया, संगति करने के लिए बनाया, पवित्र आत्मा से भरने के लिए बनाया। अपने शरीर को आज छोड़कर, अपनी मैं को भूलकर, अपने प्लान्स को भूलकर कि अभी तो मेरी 6 महीने की स्टडी पड़ी है और उसके बाद मैं इस्तेमाल होंगी, पहले मैं डॉक्टर बन जाऊं उसके बाद मैं इस्तेमाल होंगी। परमेश्वर ने कहा तुम कहते हो कि कटनी होने में भी 4 महीने पड़े हैं, पर देखो आंखें उठाकर दृष्टि देखो, देखो वो पक चुके हैं। आपको आज से इस्तेमाल होना है। आप पढ़ो जो पढ़ना है, करो जो करना है, करो वो बिजनेस, पढ़ो पढ़ाई, कुछ भी करो, लेकिन आज से खुदावंद के कामों को करना है। उसके कामों को करने के लिए जो पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए आज नाइट टाप के ऊपर होगा यीशु के नाम में। वो लंगड़े चलाने का अभिषेक, मुर्दे जिलाने का अभिषेक, बीमार चंगे करने का अभिषेक, दुष्टात्मा को भगाने का अभिषेक। आमीन। रिसीव करो बाय फायर इन जीसस नेम। हालेलुया। आप चाहे बिजनेसमैन हैं, वो आपको अभिषेक से भरेगा। जीसस ने कहा देखो वो कटनी के लिए पक चुके हैं, मत सोचो मैं ये काम कर लूंगा और उसके बाद मैं इस्तेमाल होना शुरू होगा। पहले मैं वीजा लगवा लूं, पहले मैं पढ़ाई कर लूं, पहले मैं ये शादी कर लूं, पहले मैं बच्चे को जन्म दे लूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, देखो आंखें उठाकर देखो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला, परमेश्वर ने क्या कहा, मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों आनंद करें। आपको काटना है और अनंत जीवन के लिए फलों को बटोरना है। आप रूहों की कटनी को काटेंगे और आपके घराने आशीषित होंगे इतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप नशे करने वालों को बचाएंगे, बीमारों को बचाएंगे, आप कुचले हुओं को छुड़ाएंगे,
और आप आनंद के सहभागी होंगे इन जीसस ने। लोग सोचते हैं शादी करेंगे तो आनंद आ जाएगा, फिर देखते हैं आनंद जितना था वो भी चला गया। वो बोलते हैं अच्छा बिजनेस हो जाएगा तो आनंद आ जाएगा, फिर बिजनेस में नए चैलेंजेस आ गए तो आनंद नहीं। सोचते एक फॉरेन का टूर लग जाए तो आनंद आ जाएगा, फॉरेन भी चले गए तो आनंद नहीं आया। क्योंकि जीसस ने कहा अगर तुम कटनी को काटोगे, अगर तुम फसल को काटोगे तो तुम मजदूरी को पाओगे और अनंत जीवन के लिए फल बटोरोगे और मिलकर आनंद करोगे। आनंद सिर्फ सेवा में मिलता है। आनंद इस दुनिया में रियल वाला उन्हीं लोगों के पास है जो सेवकाई में है, चाहे वो अपने पास्टर के साथ सेवा करते हैं, चाहे वो विश्वासी हैं खुदावंद का प्रचार करते हैं, चाहे वो सेवक है। आनंद उन्हीं लोगों के पास है जो खुदावंद के काम को कर रहे हैं। क्योंकि जीसस ने कहा क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े? उन्होंने कहा नो, 4 महीने नहीं पड़े, आंखें उठाकर देखो, आत्मिक आंखों से देखो, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। यीशु मसीह ने कहा मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो वो मजदूरों को भेजे। आप विश्वासी नहीं हैं, आप पास्टरों की जमात हैं, इवेंजलिस्ट की जमात हैं, आप कामों को करेंगे, आप आनंद को भोगेंगे इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना बल से ना शक्ति से। मूसा शक्ति का प्रयोग कर रहा था, बल का प्रयोग कर रहा था, राजकुमार की कुर्सी के ऊपर था तो अपने प्रभाव से इस्तेमाल होने की कोशिश कर रहा था। और परमेश्वर ने कहा नहीं, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, जगत के तुच्छों को चुन लिया, जगत के नीचों को चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करे। अगर आप अपने आप को जीरो समझते हैं, आप परफेक्ट कैंडिडेट हैं खुदावंद के लिए। अगर आप अपने आप को नीचा समझते हैं, आप परफेक्ट हैं खुदावंद के इस्तेमाल होने के लिए। आप यूज किए जाएंगे, आप यूज किए जाएंगे। मैंने कहा इनकाउंटर होगा आपका परमेश्वर के साथ, वो आपको भरेगा और इस्तेमाल करेगा, वो आपके बच्चों को भी आगे लेके जाएगा इस्तेमाल होने के लिए, आपके परिवार को हाईएस्ट पोजीशंस पे लेके जाएगा, आपको लोग जानेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि आप यहोवा की संतान। आमीन। चाहिए बरकत आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है जब मैं शायद एक दिन का विश्वासी था तो मैंने प्रीच करना शुरू कर दिया था। अभी नशे करता था तब भी मैं अपने दोस्तों को यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया था। बपतिस्मे के बाद इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था, 3-4-5-6 महीने के अंदर अंदर ले हैंड करना शुरू कर दिया था। दिक्कतें आई, शैतान ने पीछा किया, लेकिन याद रखो जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है और जब आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, वो आपको परीक्षाओं से होकर गुजरने देगा। उसने कहा यीशु मसीह की परीक्षा हुई और वो 40 दिन और 40 रात भूखा रहा और जंगल में रहा। और वचन इस तरह से कहता है कि पवित्र आत्मा ने पुश किया, जैसे आपका दोस्त आपको धक्के से ले जाता है, चल धक्के से गेड़ी मारने चलते हैं। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने पुश किया, धक्का दिया जीसस क्राइस्ट को जंगल में लेके जाने के लिए। जंगल क्या है? परीक्षा का समय, एक ऐसा समय जिसे आप नहीं चाहते, जो आपका फेवरेट टाइम नहीं है, जो परीक्षाओं का टाइम है, जो दुखी होने वाला समय लगता है आपको, लेकिन उसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको तैयार करता है इस्तेमाल होने के लिए। वो बीमारी का समय हो सकता है, कुछ भी फूलिश चीज हो सकती है, मूर्खता से भरी हुई, दूसरे के लिए छोटी लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी। वो एक निराशा का भाव हो सकता है, उदासी हो सकती है, वो गरीबी हो सकती है, वो बीमारी हो सकती है, वो सेटिस्फाइड ना होना अपनी लाइफ से हो सकता है, अशांत होना हो सकता है। परमेश्वर उन परीक्षाओं के दिनों से आपको निकालता है ताकि वो आपको भर सके। और पवित्र आत्मा बाइबल कहती है उसने जीसस को पुश किया, धक्का दिया, जबरदस्ती की कि चल जंगल में। और जंगल में बाइबल कहती 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। वो गया तो था जंगल में पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ, लेकिन जब लौटा तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा।
पवित्र आत्मा तो आप सबके पास है। बाइबल कहती है जो यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, जो उसको परमेश्वर का बेटा मानते हैं, वो पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकते ये बातें। तो पवित्र आत्मा तो उस दिन आपके अंदर आता है जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को अपना उद्धारकर्ता कबूल करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, डुबकी जब लगाते हैं, आप विश्वास करते हैं मैं मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा जीसस की तरह। लेकिन बाइबल कहती उसकी अगला पॉइंट है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना, जो जीसस क्राइस्ट ने लूका 4:13 में लिखा कि अब यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ लौटा जब वो जंगल से आया वापिस। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर इसराइलियों की लाइफ में चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि इसराइली जंगल से निकले और 40 दिन के अंदर अंदर कनान पहुंच जाएं। आत्मा से हर एक विश्वासी भरा हुआ हो और मैं इनको कनान में लेके जाऊं और वहां पर मेरी महिमा हो और सारे लोग, सारी दुनिया के लोग मेरी महिमा को देखें। लेकिन बाइबल कहती है उन 40 दिनों के अंदर वो अलग अलग तरह के पापों में पड़ गए। कोई बुत परस्ती में लग गया, कोई व्यभिचार में, कोई चोरी में, कोई हत्या में, कोई गे बन गया, कोई कुछ बन गया। और बाइबल कहती है वो 40 दिन का सफर 40 साल का बन गया और परमेश्वर उनकी लाइफ में वो नहीं कर पाया जो परमेश्वर उनकी लाइफ से करना चाहता था। और बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट ने फिर 40 दिन और 40 रात जानबूझ के 40 को चुना इसराइलियों की गलती को खत्म करने के लिए, वो फिनिश करने के लिए और बताने के लिए कि वो सफर वाकई 40 दिन का ही था। और 40 दिन में तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के लौट सकते हो और वो काम कर सकते हो जो परमेश्वर ने कहा है तुम्हें करने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन 40 दिनों में उन कर्स को फिनिश कर दिया कि तुम फेल हो गए थे उस 40 दिनों के सफर में, अब मैं तुम्हें पास करता हूं। अब तुम्हें बिलीव करना है कि जीसस क्राइस्ट ने 40 दिन का सफर मेरे लिए सहा, विश्वास करना है, अपनी लाइफ को समर्पित करना है और खुदावंद आपको स्पिरिट से भरेगा, अखील करेगा, डिलीवर करेगा, आजाद करेगा। आमीन। ऊंचाई ये बरकत आपकी है। तैयार है पवित्र आत्मा से भरने के लिए, ये समझने के लिए कि उसको आपकी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको इस्तेमाल होने के लिए। आपकी दो कॉलिंग्स हैं, एक है जीसस क्राइस्ट के लिए प्रीच करना जो सबकी है, दूसरी है आपकी अपनी कॉलिंग, दूसरी तरह की। दो तरह की सच्चाइयां हैं, दो तरह की रोशनी परमेश्वर ने बनाई, एक सूर्य और एक चंद्रमा। सूर्य को दिन पर प्रभुता करने के लिए, चंद्रमा को रात के ऊपर प्रभुता करने के लिए बनाया गया। दो तरह की सच्चाई बाइबल कहती है आपकी लाइफ में होती है। पहली सच्चाई जो मत्ती 18:28 उसकी 18 से 20 में कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, ये पहली सच्चाई है, ये बड़ी सच्चाई है। दूसरी सच्चाई जो चंद्रमा परमेश्वर ने बनाया वो ये है कि अपना काम करो। तुम डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो। जीसस ने कहा जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो सेवा नहीं कर सकता। तुम एक पास्टर हो सकते हो, एक बिजनेसमैन हो सकते हो, हाउसवाइफ हो सकते हो, काम करने वाले हो सकते हो, ऑटोमैन हो सकते हो, पायलट हो सकते हो, रिक्शा वाले हो सकते हो। ये दूसरी कॉलिंग है, दूसरी बुलाहट है। परमेश्वर ने कहा पहली बुलाहट को पूरा करते रहना, दूसरी बुलाहट भी तुम्हारे लिए जरूरी है। दूसरी करते करते पहली भूल मत जाना। और जब आप पहली बुलाहट को पूरा करेंगे और प्रीच करेंगे तो दूसरी बुलाहट में परमेश्वर आपको सफल भी करेगा। आप एक सफल डॉक्टर होंगे, सफल इंजीनियर होंगे, सफल बिजनेसमैन होंगे, सफल काम करने वाले होंगे, आपका परिवार सेटिस्फाइड रहेगा। आमीन। ऊंचा चर्च। हालेलुया। आप तैयार है पवित्र आत्मा से भरने के लिए, तो जंगल में जाने के लिए भी तैयार रहना, परीक्षाओं से निकलने के लिए भी तैयार रहना, अड़े और खड़े रहना, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके साथ होगा। वो आपको भरेगा भी, आपको निकालेगा भी, आपको आशीषित भी करेगा। बेस्ट प्लेसेस आपके लिए होंगे इन जीसस ने। कब प्रीच करते करते दुनिया के बेस्ट देशों में आप होंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। कब प्रीच करते करते बेस्ट कुर्सियों के ऊपर आप होंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। कब प्रीच करते करते आपके बच्चे एक्सीलेंट में चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं होगा। आप उसके बोझ को उठाएंगे, वो आपके बोझ को उठाएगा। लोगों को मैंने देखा है टेंशन लेते हुए, ओ बच्चे की टेंशन है, ओ इसकी पढ़ाई की टेंशन है, ये क्या करेगा बड़ा हो गए। जीसस ने कहा तुम अपना बोझ मुझे दे दो, मेरा बोझ उठा लो। तुम मेरा क्रूस उठा लोगे, मेरा बोझ उठा लोगे, मेरी सेवा उठा लोगे, मैं वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर दूंगा। हो सकता है परमेश्वर ने तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ ऐसा सोचा हो जिसमें उसको पढ़ाई करने की जरूरत ना हो,
दुनिया के टॉप के कई बिजनेसमैन 10वीं तक पढ़े नहीं हैं, कईयों ने 8वीं तक नहीं की, कईयों ने 5वीं तक नहीं की है। तो परमेश्वर को आपको सक्सेसफुल करने के लिए उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम पढ़े नहीं, हम अनपढ़ रहे। आप पढ़ो, जो आपके हाथ में है वो करो, फिर जीसस हीरो की तरह एंट्री मारेगा आपकी लाइफ। फिल्में देखी है ना, बंदे करते हैं जो करना चाहिए, पूरा दम लगाते हैं, फिर नहीं होता, फिर हीरो आता है, फिर हीरो करता है काम। जीसस तुम्हारा सुपर हीरो आएगा तुम्हारी लाइफ में काम करने के लिए। फिर वो जब एंट्री मारता है ना, वो सच का हीरो है। लोगों को मालूम हो गया, जब कोरोना वायरस आया किसी आयरन मैन ने नहीं बचाया, कोई कैप्टन अमेरिका नहीं आया, कोई सुपरमैन नहीं आया, हाँ कोई थानोस नहीं आया, और कौन कौन से हैं, हाँ शक्तिमान स्पाइडरमैन, कोई नहीं आया। एक ही सुपर हीरो था जब काम कर रहा था, उसका नाम क्या था? लोगों को लगता है कोरोना आया, अब देखते हैं ये हीलिंग करने वाले कहाँ हैं, कहाँ थे हम सड़कों के ऊपर। लाइव वीडियोस मौजूद हैं, आज भी चले जाओ देख लो। और लोग हैरान हो रहे थे कि ये ले हैंड कैसे कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये थी उस टाइम वीडियो नहीं डाल सकते थे ले हैंड की, कि कोरोना पेशेंट आया और ले हैंड किया। जैसे वीडियो डाली तो लोग अंदर करेंगे, बोलेंगे क्वारंटाइन हो जाओ जी, तुम संपर्क में आ गए हो। मेरी एक बड़ी मीटिंग चल रही थी, बड़ी जरूरी किसी के साथ। पहला अटैक जब कोरोना का हुआ अप्रैल 2020 में, सब डरे हुए थे लेकिन हम अपना काम कर रहे थे। तो एक पंजाब में बहुत बड़ी संस्था के मेंबर हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो क्रिश्चियन नहीं, आप लगा लो सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक। तो वो मेरे पास बैठे थे और उनको मैसेज आया कि उनकी एक रिश्तेदार को कोरोना हो गया। तो कोई अब गाड़ी ले जाने वाला तैयार नहीं था, ड्राइवर तैयार नहीं थे, घर वाले तक गाड़ी चलाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं अपना ड्राइवर भेजता हूं, आप बताओ कहां जाना। तो 5 मिनट उन्होंने फोन पे बात की, बोले ड्राइवर अरेंज हो गया। मैंने कहा कहां जा रहे, कहते हॉस्पिटल। मैंने कहा नहीं, उनको चर्च बुलाओ, इधर खामरा चर्च सुनो। वो उनको बोला ठीक है, वो चर्च में लेके आए इधर पीछे मेन गेट के पास। तो मैं अंदर बैठा था, ऑफिस पहले अंदर होता था, तो मैंने किसी को नहीं बताया, मेरी वाइफ सब वहीं थे, ये सब कोई। जब मैं गया गाड़ी के पास तो वो जो मेरे साथ आए थे वो पीछे हट गए, वो पीछे खड़े थे। मैंने कहा आप पीछे खड़े हो जाओ, लोग पीछे हो गए। मैं गया सीधा उसके नाक पे हाथ, उसके सिर पे हाथ, और मुझे देख रहे वो कि ये बंदे ने कोई दवाई खाई है कोई कोरोना की, अभी दवाई तो निकली नहीं है, ये कैसे ले हैंड कर रहे हैं। और मुझे वो बहुत ध्यान से देख रहे, कोई मास्क नहीं, कोई ग्लव नहीं, नथिंग, जस्ट मैं अंदर से निकला, ले हैंड हुआ। 3 दिन में मैसेज आया, लेडी कंप्लीट हील। और जब वो चर्च के गेट पे थी तो ऐसे थी, लिटरली ऐसे। और उसका बेटा गाड़ी चला, उसको ऐसा लग रहा था कि ये माँ मर जाएगी, अभी मैं लेके जाऊंगा हॉस्पिटल, मर जाएगी। डर था उनके चेहरों पे, मैंने डर देखा था। और तब मुझे मालूम हुआ था कि ये सब सुपरमैन फेल हैं, जीसस सुपरमैन पास है। हालेलुया, हालेलुया। और वो लोग आज भी नॉन बिलीवर्स हैं, वो बिलीवर्स नहीं है, जो हील हुआ वो अभी भी अविश्वासी है, प्रभु को नहीं मानता। जिनके घर में हीलिंग हुई वो आज भी उसी संस्था के मेंबर है, अविश्वासी है, लेकिन जीसस की पावर को जानते हैं। वो जानते हैं कि ये फेक नहीं, ये ओरिजिनल वाली पावर है। हालेलुया। तुम दुनिया को सरप्राइज भी करोगे, शॉक भी करोगे इन जीसस ने। आमेन। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की सामर्थ नहीं है तो रिजल्ट नहीं आता। बिना पावर के, बिना सामर्थ के प्रचार करने से अच्छा है कि आप मत करें। आप जब बोलें तो परमेश्वर की पावर हिट करनी चाहिए। बाइबल कहती है हन्ना और पनिन्ना दो औरतें थी, पनिन्ना के तो बालक हुए पर हन्ना के कोई भी बालक
नहीं हुआ। हन्ना पहले नंबर की पत्नी थी, पनिन्ना दूसरे नंबर की थी, लेकिन जब नाम लिया जाता था तो पनिन्ना का पहले लिया जाता था और हन्ना का बाद में लिया जाता था, क्योंकि हन्ना के कोई भी संतान नहीं थी, वो फ्रूटफुल नहीं थी। जब आपकी लाइफ में फ्रूट नहीं होता, आप भाई तो बड़े होते हैं घर के, लेकिन नाम आपका बाद में लिया जाता है। आपने सेवकाई तो पहले ओपन की है पर आपका नाम बाद में आता है। इसलिए कहा रिजल्ट अच्छा है, ये आपको इंसल्ट से बचाता है। आपका रिजल्ट नंबर वन होगा इन जीसस ने। बिना अनॉइंटिंग कोई रिजल्ट नहीं, बिना फायर कोई रिजल्ट नहीं, बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कोई रिजल्ट नहीं। उसके लिए आपको परीक्षाओं से निकलना होगा, जंगल से निकलना होगा, अपने मन को, अपनी मैं को खत्म करके परमेश्वर के पीछे चलना होगा, सेवा करनी होगी, प्रीच करना होगा, अपने दिमाग का प्रयोग कम करना होगा। क्योंकि जीसस ने कहा, देखो वो तुम कहते हो कि कटनी के लिए 4 महीने पड़े, देखो फसल अभी छोटी है, बड़ी होगी, फिर इस पर बालें लगेगी, फिर कनक लगेगी, फिर ये पकेगी, फिर हम काटेंगे। परमेश्वर का नहीं, वो कटनी के लिए पक चुके हैं। आप तैयार हैं सेवा के लिए, मैं स्पिरिट में आपको बोल रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।